एक पिस्तौल, 10 जिंदा कारतूस के साथ दो आरोपी को आरसीएफ पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हुसैन सैयद और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। जैसे कि आप सभी को पता है, महीने की शुरुआत है और इस महीने की एंडिंग में लोग नए साल का जश्न मनाने इकट्ठा होते हैं। इसे देखते हुए थे कई लोग जो आपराधिक गतिविधि को अंजाम देने के लिए अभी से प्लानिंग करना शुरू करते हैं। मुंबई पुलिस उन पे अंकुश लगाने के लिए कड़ी नजर रखी गई है, क्योंकि आरसीएफ में एक ऐसा मामला सामने आया है। आरसीएफ पुलिस को एक गुप्त सूचना मिली थी कि उनके क्षेत्र में दो ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास एक पिस्तौल और 10 जिंदा कारतूस है, और जिसके बाद में पुलिस ने इनकी छानबीन की तो इनके पास से एक पिस्तौल और 10 जिंदा कारतूस बरामद किया गया है और उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। हालांकि पुलिस अभी इस मामले की जांच कर रही है कि ये पिस्तौल कहाँ से आई है और ये 10 जिंदा कारतूस कहाँ से आए हुए, इनका क्या उपयोग करने को लाया गया था, क्या इन्हें किसी को देने लाया गया था, क्योंकि लगातार आपराधिक गतिविधि को अंकुश लगाने में मुंबई पुलिस कामयाब होती है। क्योंकि 31 दिसंबर के दिन कई लोग इकट्ठे होते हैं जश्न मनाने के लिए, और उस दौरान इस तरीके की आपराधिक गतिविधि को अंजाम देने वाले को नाकाम करने में मुंबई पुलिस कामयाब होती है। ऐसे ही इस मामले में मुंबई पुलिस कामयाब हो गई है, मगर 31 दिसंबर को किस प्रकार से नया जश्न मनाया जाएगा, ये मुंबई पुलिस के लिए चैलेंजिंग है ऐसे अपराधियों पर नजर बनाए रखने के लिए। क्योंकि ये अपराधी बेहद शातिर होते हैं, खास करके ये अपना डेरा उन स्लम इलाकों में डालते हैं जहां पर इनकी नजर ना पड़े पुलिस की, मगर पुलिस की नजर से कोई बच नहीं पाता है। खास करके किसी हेमराज सिंह राजपूत, उनके इलाकों में कई ऐसे स्लम है जहां पर अपराधी गतिविधि को बहुत अंजाम दिया जाता था, मगर अब उसमें अंकुश लगाने में कामयाब हो गए। उसी तरह इस प्रकार की घटना में भी अंकुश लगाने में कामयाब हुए। अब देखना यह रहेगा कि मुंबई पुलिस किस प्रकार से लोगों की सुरक्षा करती है और किस प्रकार से ऐसे अपराधी को सलाखों के पीछे पहुंचाती है। कैमरा पर्सन नरेश भानुशाली के साथ जैन सैयद, मुंबई टीवी।